वहाँ का जो तालाब है अच्छा है, तो आपको पाँचपाकड़ी में तालाब मिलेगा, तो मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। थाने स्टेशन से आओगे तो आपको वहाँ से कचरे तालाब के लिए किसी को भी पूछोगे तो आपको वहाँ पे छोड़ देगा। मैं तो फिलहाल अपने यहाँ से आ रहा हूँ, नज़दीक से ही मेरा पास में विजिट है कचरे तालाब का, तो ज़्यादा दूर नहीं। ब्लॉग के साथ राजीव प्रजापति, न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले पाँचपाकड़ी के कचरेली तालाब। तो जो कचरेली तालाब है वहाँ का, तो उसके बारे में कुछ कोशिश करेंगे बताने की। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। ये हमारे मामा का ठेला है, इनके भी ठेले पे कोई आइए अपना फल फ्रूट खरीदने के लिए। अच्छे बेच से अच्छे क्वालिटी में बेचते, साफ़ सुथरा रखते एकदम। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पे आए, इनसे फल फ्रूट खरीदिए। अच्छे सोसाइटी में है, अपने पाँचपाकड़ी रास्ते से आप आओगे पप्पू ढाबे के पुल के यहाँ से, तो इनके यहाँ भी आइए कभी, कोई फल फ्रूट खरीदिए इनके यहाँ से, मस्त साफ़ सुथरा रखते हैं अभी। तो आइए आपको मैं वहाँ का पाँचपाकड़ी का तालाब दिखाता आपको। वहाँ का भी अच्छा सुंदर नेचर है, नज़ारा है, जो तालाब है सुबह का टाइम है अच्छी खासी। कुछ लोग मुझे बोल भी रहे थे कि मुझे नाइट में कुछ शूट करने के लिए कुछ ओपन का, तो मैं ओपन का नाइट में शूट करने की कोशिश करूँगा एक दिन, तो वहाँ भी जाऊँगा कुछ नाइट में शूट करूँगा। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे नाइट में शूट करो आप, नाइट में शूट करो, तो आप मैं वहाँ पर जाके नाइट में शूट करूँगा ओपन का, एक नाइट का वीडियो बनाऊँगा जो अच्छा मस्त लाइटिंग के साथ रहता है, मस्त दिखता है। कोशिश करूँगा मेरे कैमरे में लेने के लिए नाइट में वीडियो। तो चलो फिर जाते हैं वहाँ पे, आप वीडियो पे बने रहिए पूरे। देखिए एकदम साफ सुथरे फूड सकते हैं, तो आपको मैं इसका लोकेशन बता दूंगा कहाँ पे, तो आप भी आइए यहाँ पे, जरा विजिट कीजिए यहाँ पे, लीजिए आपसे फुल फूड, तो अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं यहाँ पे और साफ सुथरा रहता है एकदम। तो आप यहाँ पे सोसाइटी एरिया है अपट, यहाँ पे आने का मतलब, यहाँ पे आपको मैं यहाँ के लोकेशन बताता हूँ, उदय नगर है कुछ, तो आपको लोकेशन बताता हूँ, आप भी आइए यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ से लीजिए इनका पाँचपाकड़ी उदय नगर। तो यहाँ भी आइए आप, थोड़ा यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे भी इनसे खरीदिए कुछ माल, अच्छी क्वालिटी में बेचेंगे आप। आ जाइए आप यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार आके इनके यहाँ, देख लीजिए सामने ये उदय नगर है, उदय नगर इनके सामने इनका ठेला लगता है, तो आप आके यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार पाँचपाकड़ी में। किसी को भी बोलेंगे उदय नगर किधर है, कोई भी आके बता देगा आपको यहाँ पे सामने। पप्पू ढाबे से ब्रिज से भी आएंगे तो भी चलेगा, और थाने से आएंगे तो भी चलेगा, दोनों भी नज़दीक है, एक बार विजिट कीजिए आके यहाँ पे। इनका फूड शॉप का नाम इनसे पूछ लेते हैं मामा से जरा आप अभी। तो मामा क्या फूड नाम आपका, यहाँ का नाम है? फूड शॉप का नाम है फर्नांडिस फ्रूट शॉप। फर्नांडिस फ्रूट शॉप। ओके ओके ठीक है चलेगा। तो मैं यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार आके आप लोग, शायद मामा ने बताया मेरे यहाँ से। तो मैं फिलहाल बाइक तो यहीं पे खड़ा किया था मैंने फल वाले अंकल के पास, क्योंकि देख रहा था उनका धंधा भी नहीं हो रहा था इतने दिन से, इसी की वजह से मैं सोचा कि वहाँ पे कुछ वीडियो बना लिया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा देखिए आप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रा वहाँ पे विजिट भी कीजिए ज़रा आप, थोड़ा उनसे फल फ्रूट खरीदिए ज़रा। साफ सुथरा तो आप तो देखा ही रहेगा वीडियो में कितना ध्यान रखते हो, क्योंकि सोसाइटी एरिया यार, वहाँ पे तो ध्यान तो रखना चाहिए, नहीं तो कोई फल खरीदने तो आएगा नहीं। चलिए फिर वहाँ पे मिलते डायरेक्ट आपको लोकेशन पे। देखिए हम लोग सामने पहुंच चुके हैं, तो आपको कचरे तालाब दिखाता हूँ यहाँ पे सामने, देख लीजिए पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सामने आपको दुकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सब मिलते हैं, तो आप आ सकते हो यहाँ पे विजिट करने के लिए। देखिए लॉक है फिलहाल, अभी तो लगता है ज़्यादा टाइम पे हम लोग लेट आ चुके हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो भाई लगता है हम लोग लेट हो चुके हैं, इसकी वजह से शॉप बंद कर दिए, तो अभी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं दे रहे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ये वीडियो दिखाने की तालाब की। अभी आपको मैं बताया था यहाँ पे आगे, लेकिन एक ऐसा कि अभी हम लोग लेट हो चुके हैं, इस वजह से लॉक लगा दिया गेट को। तो फिलहाल अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा जरूर वहाँ पे, कोशिश तो कर रहा हूँ, तो आ जाइए वीडियो के साथ मेरे, बने रहिए पूरे। नहीं ना वो सब भी है। नहीं सर देखिए कितना ज़्यादा सजा के रखे हैं भीड़, पेंटिंग तो भाई एक नंबर है। दोनों को मारा मारी होने वाली है, देख लीजिए अभी दोनों का लफड़ा होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा लफड़ा कराने की। देखिए झगड़ा होने वाला है। अपना वीडियो कंटिन्यू करते अपना। चलिए भाई इधर भी गेट बंद हो चुका है यार, हम लोग लेट हो चुके हैं यार आने के लिए, आपको दिखा सकता हूँ अंदर से कोशिश।
देखिए कितना अच्छा सुंदर है, पर अंदर जाने का मौका मिल जाता तो आपको सच में दिखाता पूरा। एक्चुअली मेरे को विजिट करने के लिए लेट हो गया यहाँ पे। अच्छी है देखिए, तालाब तो बहुत बड़ा है, बोटिंग भी होती है यहाँ पे, बोटिंग। देख सकते हो आप, Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. बाप रे क्या बिल्डिंग है यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, फुल हार्ड प्लान ज्वेलर्स कल्याण कल्याण। चलते एंट्री लेते जरा अंदर, देखते हैं यहाँ से कुछ दिखा सकते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको अंदर आके, बताएंगे आप मुझे। अच्छा अच्छा, यहाँ का नेचर अच्छा है। अच्छा है, अभी घूम के आएंगे ना वहाँ के। ऐसा है क्या? ये हमारे वर्मा साहब है, लड़कियाँ दीवानी इनके ऊपर और कुछ नहीं भाई। चलो कुछ, ये लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे राजू प्रजापति जी को, अच्छा वीडियो बनाते। हमारा एचडी कैमरा है 4 मेगापिक्सल का, तो आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ के जो मंदिर है आपको, मैं वहाँ का मंदिर का आपको दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, जो तालाब पे मंदिर है। आ जाइए आप भी साथ में। गणपति अप्पा का मंदिर है, तो यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर है अंदर, तो आप इधर पे आप पे दर्शन भी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अच्छी खासी मंदिर है यहाँ पे, और साफ सुथरे का तो बहुत ध्यान रखे ले उन्होंने कोरोना के टाइम पे। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करने वाला था तो दिखा रहा हूँ, भी देख लीजिए तालाब यहाँ का अंदर का। तो गाइस आपको वीडियो पे जो विजिट किया करवाया मैंने आपको तालाब का, अच्छी है खाखू आपको अच्छी लगी रही। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, तो आपको जो भी चैनल देख रहे हो, जो चैनल पे नए रहेंगे उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।